हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया फोर्स अकेडमी। सब टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों की सेवा में यानी आपकी सेवा में। हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। अब हम चलते हैं आगे जहाँ से हमने डिस्कशन ख़त्म किया था। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। देर आर फोर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ओबियसली कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने आपको बताया था कि जब जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। और जब हम एंगल को मेजर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल कैसा आएगा, नेगेटिव। ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली। ये कौन सा है एक्स एक्सिस और ये कौन सा है वाई एक्सिस। ये है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, ये है नेगेटिव। इस साइड में पॉजिटिव आता है और इस साइड में नेगेटिव। इतना आप सभी को पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये क्वाड्रेंट होता है फोर्थ। आप में से बहुत से लोगों को ये पता भी होगा। इसके बाद जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा, ठीक। तो ये सारे रेशियो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसमें ऑल आर पॉजिटिव। उसके बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और उसका रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड में टेन थीटा एंड उसका उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, वो भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और उसका रिवर्स सिकेंट थीटा, ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अब हम एंगल मेजर करते हैं अपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, ओके। अब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये क्या कैसा डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी इसमें एंगल आएगा अपना पॉजिटिव एंगल अपन मेजर करेंगे। लेकिन जब हम चलेंगे इस क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो हम एंगल लेंगे नेगेटिव। जैसे इस डायरेक्शन में तो हम थीटा लेंगे, थीटा। अब देखो यहाँ तक जब एंगल जाएंगे अपन, यहाँ से मेजर किया, ये कितना आ गया 90 डिग्री, ये कितने पे आ गया 90 डिग्री, उसके बाद ये कितना आ गया 180 डिग्री, अगला 90, ये 0, ये 90, ये 180, उसके बाद ये आ गया 270 डिग्री, और उसके बाद जब कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा तो कितना जाएगा 360 डिग्री। अब जैसे ये ऐसे है ये लाइन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सपोज थीटा। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते हैं और ये आता है एंगल, तो ये हम यदि एंगल कुछ भी होगा तो वो कैसा साइन आएगा उसके साथ, माइनस का साइन। जैसे माइनस अल्फा ही होगा, माइनस अल्फा हो, वो एंगल क्या होगा, माइनस अल्फा। क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन क्यों लगाया, क्योंकि ये हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है। इतना समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई एंगल थीटा है, ये एंगल क्या हो गया, माइनस थीटा। अब देखो यदि यहाँ पे मैं कोस ऑफ माइनस थीटा लिखूँ तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसका मतलब माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हमें रिजल्ट देगा कोस थीटा। अच्छा, कोस थीटा का रिवर्स क्या होता है, सिकेंट थीटा। सिकेंट माइनस थीटा भी क्या होगा, सिकेंट थीटा। यानी यहाँ पे नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमने ये देख लिया। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, माइनस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, चेंज कहाँ कहाँ पे होता है। तो चेंज जो होगा फोर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का में जो चेंज होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, चेंज होगा 90 डिग्री पे, अच्छा 270 डिग्री पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर चेंज के मतलब क्या होगा, क्या चेंज होगा। तो चेंज होंगे आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे 90 डिग्री और या 270 डिग्री पे आ जाए तो साइन थीटा है वो चेंज होगा किस में, कोस थीटा में। किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। और कोस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। हम आगे डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। टेन थीटा है वो किस में चेंज होगा, कोट थीटा में। और कोट थीटा किस में चेंज होगा, टेन थीटा।
ठीक है। उसके बाद सिकेंट थीटा है वो किस में चेंज होगा, कोसिकेंट थीटा में, और कोसिकेंट थीटा किस में चेंज होगा, टेन थीटा में। इतना समझ में आया, अब चलते हैं अपन आगे। जैसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ जाए 120 डिग्री, सपोज 120 डिग्री, तो साइन 120 क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, अब साइन 90 प्लस 30, इसका अपने पास फॉर्मूला होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो, 90 माइनस थीटा, फिर थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल की बात हम करेंगे, थीटा क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल की बात करेंगे, यानी 90 से कम, यानी 90 से 90 में से माइनस करेंगे, यानी 90 का क्या कहाँ पर आता है, यहाँ पर 90 आता है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पर 90 आता है, इसमें से कुछ घटा दिया हमने, तो एंगल किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, ऑल आर पॉजिटिव, यानी हम इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। दूसरी बात क्या है कि साइन 90 आ गया, तो 90 पे हमने क्या बताया था कि चेंज करेंगे, साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में, साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कोस थीटा लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि साइन जो होता है, साइन जो होता है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, यानी पॉजिटिव की हम जनरली लिखते नहीं, तो ऐसा क्या ऐसा भी लिख देंगे तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव ही कोस थीटा। इतना आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें। जैसे साइन थीटा के बारे में लिख लिया, अब हम लिखते हैं कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अच्छा, कोस 90 पे क्या होगा चेंज, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन थीटा हमने लिख दिया। अच्छा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन इट इज पॉजिटिव इक्वल टू साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं टेन, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन किस में चेंज होगा, 90 पे कोट थीटा में, और वैल्यू आ जाएगा आपके पास कोट थीटा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। इसके बाद सिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, सिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसिकेंट थीटा, ओके चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, सिकेंट थीटा क्या होगा, सिकेंट थीटा। इसके बाद चलते हैं अपन सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसके बाद कहाँ पे चलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट है, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यदि साइन 90 प्लस थीटा करूँ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पे देखो, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा, कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा। अब देखो, साइन साइन की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी आएगी, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा और उसका रिवर्स, साइन थीटा और उसका रिवर्स कोसिकेंट थीटा, उसका रिवर्स कोसिकेंट थीटा, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो कोस थीटा ही वैल्यू अपने पास आएगी। इसके बाद अपन देखते हैं कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 प्लस थीटा, तो 90 पे तो चेंज हो जाएगा, साइन थीटा लिख दिया, अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वो देखेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो कोस 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा को बात छोड़कर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेंगे, नेगेटिव, तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। समझ में आया। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 आ गया, तो किस में चेंज होएगा, कोट थीटा में, और कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद कोट 90 प्लस थीटा देखते हैं, कोट 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये भी रहेगा टेन थीटा, कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, और 90 प्लस थीटा यानी माइनस टेन थीटा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे अपन सिकेंट, सिकेंट 90 प्लस थीटा, सेकेंड 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसेकेंड थीटा में, इसमें चेंज हो जाएगा कोसेकेंड थीटा में। अच्छा, सेकेंड क्या रहेगा, नेगेटिव, लेकिन कोसेकेंड 90 प्लस थीटा की बात करें, कोसेकेंड 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 आया है, तो सेकेंड का किस, कोसेकेंड किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में, सेकेंड थीटा। अच्छा, कोसेकेंड क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ये रहेगा पॉजिटिव, यानी आपने देखा कि साइन और कोसेकेंड क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो अपने पास आए नेगेटिव। समझ में आया। अच्छा, किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ना कि इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इतना आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट पे जाने के लिए एक तरीका और है, अपन क्या कर सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा कर देंगे, तो भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, 180
180 में से कुछ माइनस कर दिया तो भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे बिल्कुल, लेकिन 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, क्या बचेगा, साइन थीटा, साइन का साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होगा, चेंज किस पे होगा, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, किस पे चेंज होगा, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, यानी 180 आ गया तो इसमें चेंज नहीं होगा, साइन थीटा का साइन थीटा हमने एज वन लिख दिया। अब देखना है अपने साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा ही आए, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा तो क्या आएगा, तो कोस थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस कोस थीटा, इतना आपके समझ में आया। अगला देखते हैं टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस थीटा कितना होगा, टेन थीटा, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस के साथ, कोट 180 माइनस थीटा तो कैसा रहेगा, माइनस कोट थीटा। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है सिकेंट 180 माइनस थीटा, सिकेंट 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस सिकेंट थीटा, बिल्कुल सही है। इसके बाद कोसिकेंट 180 माइनस थीटा क्या होगा, ये रहेगा पॉजिटिव कोसिकेंट थीटा, क्योंकि साइन और उसका रिवर्स कोसिकेंट थीटा क्या रहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इसके बाद अपन और भी नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे अब बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ पॉजिटिव कौन रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था, इसकी देखो एक ट्रिक ट्रिक भी होती है, जैसे इसमें ओल्ड रेशियो आर पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका रिवर्स, साइन और उसका रिवर्स कोसेकेंट पॉजिटिव, उसके बाद टेन और उसका रिवर्स कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और उसका रिवर्स सिकेंड पॉजिटिव। तो इसकी एक ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आपको नहीं याद रहे तो क्या रहेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड पे क्या रहा है टू कॉलेज यानी टेन, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि टेन थीटा और उसका रिवर्स कोट थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ओके टेन थीटा और उसका रिवर्स कोट थीटा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंच सकते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं, एक तो देखो साइन से स्टार्ट करते हैं अपन, साइन 180 में से कुछ जोड़ दें यानी 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अच्छा 180 पे साइन चेंज होगा, नहीं होगा, क्या आएगा, साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा आ गया। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो मैंने आपको बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, टेन और कोट, तो क्या रहेगा ये, नेगेटिव। इसके बाद कोस 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, कोस 180 प्लस थीटा कोस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, कोस थीटा, अच्छा कोस थीटा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोस पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं टेन, टेन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये रहेगा टेन थीटा, टेन 180 प्लस थीटा टेन टेन 180 प्लस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। अच्छा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा तो प्लस का रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोट, कोट 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, ये रहेगा कोट, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता, तो कोट थीटा, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो कोट क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसके बाद बात करते हैं अपन सिकेंट थीटा की, सिकेंट 180 प्लस थीटा, सिकेंट 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, सिकेंट थीटा तो एज इट इज, और माइनस का आएगा पॉजिटिव, तो माइनस का आएगा, ओके माइनस का आएगा, प्लस का आएगा तो माइनस का। इसके बाद कोसिकेंट 180 प्लस थीटा, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, माइनस कोसिकेंट थीटा। अच्छा अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो ये रहा अपना क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री भी है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपन दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो 180 प्लस थीटा कर दें, एक तरीका है 270 में से थीटा को माइनस कर दें तो भी थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो इस तरीके से भी अपन देखते हैं। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या रहेगा, साइन 270
माइनस थीटा क्या रहेगा, देखो साइन 270 माइनस थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया था 270 पे और 90 पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन को किस में चेंज करेंगे, कोस में, तो क्या रहेगा कोस थीटा। इतना तो आपको समझ में आया। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो वो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो साइन क्या रहेगा नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा। इतना आपको समझ में आया, आगे चलते हैं। इसी तरह से कोस की बात करेंगे, कोस 270 माइनस थीटा, तो कोस 270 आ गया तो किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। साइन थीटा और कोस थीटा कैसे कैसा रहता है, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का साइन आगे लगा दें। इसी तरह से टेन 270 माइनस थीटा क्या रहेगा, कोट थीटा, और मैंने लगाया पॉजिटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है ये पॉजिटिव। इसके बाद लिखते हैं कोट 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा क्या होगा, कोट 270 माइनस थीटा क्या रहेगा, टेन थीटा, वो भी पॉजिटिव के साथ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। अच्छा इसके बाद सिकेंट 270 माइनस थीटा, सिकेंट किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में, कोसिकेंट थीटा और क्या रहेगा नेगेटिव साइन के साथ। इसके बाद कोसिकेंट 270 माइनस थीटा, तो किस किस कैसे रहेगा, सिकेंट थीटा और वो भी माइनस के साथ। इसके बाद चलते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यानी कोस कोस थीटा और उसका रिवर्स सिकेंड थीटा, वो क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा फोर्थ में पहुंचने के दो तरीके हैं, एक तो 270 प्लस थीटा कर दें, एक है 360 माइनस थीटा कर दें, और एक तरीका और है माइनस थीटा ही कर दें, क्योंकि तो माइनस में थीटा करेंगे तो भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। अच्छा तो देखिए साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 पे चेंज होगा कोस थीटा। अच्छा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा, साइन रहेगा नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा। इसके बाद बात करें कोस की, कोस 270 प्लस थीटा, तो ये क्या रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज, यहाँ पे 270 की वजह से चेंज होगा किसमें, साइन थीटा में। कोस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। अच्छा कोस साइन थीटा में चेंज होगा, साइन कैसा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि कोस क्या रहता है पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके बाद देखते हैं टेन, टेन 270 प्लस थीटा, तो ये रहेगा कोट थीटा और वो भी नेगेटिव के साथ। इसके बाद कोट 270 प्लस थीटा, तो ये रहेगा टेन थीटा, टेन थीटा, उसके बाद ये नेगेटिव साइन के साथ। इसके बाद सिकेंड 270 प्लस थीटा, अब देखिए किस में चेंज होगा, कोस सिकेंड थीटा में। अच्छा सिकेंड थीटा क्या रहेगा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या रहेगा पॉजिटिव। उसके बाद कोसिकेंट, कोसिकेंट 270 प्लस थीटा, कोसिकेंट 270 प्लस थीटा क्या होता है सिकेंट थीटा, और ये रहेगा नेगेटिव। अच्छा इसके बाद अब अपन आते हैं 360 माइनस थीटा। तो आई होप मैं आपको सारे ना करके, साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जीरो पे या 360 पे साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा एज इट इज और माइनस साइन के साथ, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। इसके बाद अपन बात करेंगे माइनस साइन के साथ वाले, यानी साइन माइनस थीटा की बात करें तो क्या रहेगा, इसका मतलब किसमें क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, इसलिए हम उसको लिखते हैं माइनस साइन थीटा। अच्छा कोस माइनस थीटा के लिखेंगे तो क्या रहेगा, कोस थीटा के फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या रहता है पॉजिटिव। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने क्यों लिया। इसके बाद टेन माइनस थीटा क्या रहेगा, टेन माइनस थीटा रहेगा माइनस ऑफ टेन थीटा। इसके बाद इनके रिवर्स देख लेते हैं, कोसिकेंट माइनस थीटा क्या रहेगा माइनस कोसिकेंट थीटा। अच्छा सिकेंट माइनस थीटा क्या रहेगा, सिकेंट माइनस थीटा रहेगा सिकेंट थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिकेंट और कोस पॉजिटिव रहते हैं। इसके बाद देखते हैं कोट माइनस थीटा, तो कोट माइनस थीटा क्या रहेगा माइनस कोट थीटा, कोट माइनस थीटा क्या रहेगा माइनस कोट थीटा। इसके बाद जैसे हम बात करें आगे की, तो देखिए देखो साइन वन डिग्री, साइन वन डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन वन डिग्री को लिख सकता हूँ, साइन वन डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 89 डिग्री,
ओके अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 आ गया तो चेंज किस में होगा? साइन का चेंज होगा कोस में। ओके कोस थीटा, और कैसा रहेगा साइन? साइन पॉजिटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी साइन 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया? कोस 89 डिग्री के, कोस 89 डिग्री। अच्छा इसी तरह से टेन टेन 3 डिग्री की बात करूं तो ये देखो, टेन 3 डिग्री की मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन 90 माइनस 87 डिग्री। अच्छा टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोट थीटा, कोट 87 डिग्री, यानी टेन 18 डिग्री इक्वल टू कोट 72 डिग्री। इस तरह से हम, यानी ये रिलेशन हमारे पास आता है। इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 3 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वेयर 89 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, इसकी वैल्यू क्या करनी है अपने को? फाइंड आउट करनी। ओके